दिल को आए चैन कहीं ना। बस अब मैं चाहती हूँ कि बच्चों की खिलखिलाहट से और रौनक हो जाए, तुम्हारे नेक कदमों से बस रानी की भी गोद भर जाएगी। रानी बेटा, एक औरत होने के नाते तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश होगी ना। मैं औरत हूं, मैं एक औरत का दुख अच्छी तरह समझती हूं। बेटा मैं अपने बेटे की तरफदारी नहीं करूंगी, लेकिन मर्द की फितरत ऐसी होती, अपना खानदान अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए औरत से ज्यादा चाह रखता है, और जब उसका मकसद पूरा ना हो तो वो मोहब्बत अपने किए हुए वादे सब भूल जाता है, और जो कुछ उसने करना होता है वो कर गुजरता है। मुझे समझ नहीं आ रही खाला, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखो बेटा, तुम वहीद को बचपन से जान दी, वो शुरू से ही बच्चों से बहुत लगाव रखता है, बहुत प्यार करता है बच्चों के साथ। बस मेरे दिल में यही डर लगा रहता है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि रिश्ते खराब। अरे आप चाय लें। अरे ये क्या किया तुमने? क्यों, कुछ गलत कर दिया क्या? कपड़े बदल लिए, ज्वेलरी भी उतार दी, इतनी प्यारी तो लग रही थी। जी वो थकन हो गई थी ना इसलिए। थकन? थकन कैसी, एक ही जगह तो बैठी रही। आप इतना कुछ पहनकर एक जगह बैठते ना तो मैं आपसे पूछती। फौजिया, चंद दिन बाद वापस चला जाऊंगा। सोच रहा था कि उतने दिन हम हनीमून का कुछ प्लान कर लें। हनीमून? क्या हुआ, पहली बार सुना क्या? नहीं सुना है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तुम बताओ कहाँ लेकर चलूंगा तुम्हें। बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। आपने झील सैफुल मुल्क देखी है क्या? हाँ सुना है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तुम्हें दुनिया की एक से एक जगह घुमाने की बात कर रहा हूँ, और तुम सैफुल मुल्क झील जाना चाहती हो। मैं दुनिया घूमने की ख्वाहिश क्यों करूँ? खुदा ने हमारे मुल्क को इतनी नेमतों से नवाजा है, यहाँ की हवाएं, यहाँ की खुशबू, यहाँ के मौसम, अपने लोग, क्या क्या नहीं है यहाँ पर। अगर आप मुझे ऐसी जगह लेकर जा सकते हैं तो बताएं, और कहीं जाने की ख्वाहिश नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कमाल की लड़की है यार तुम। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की, मेरी जगह कोई और लड़की नहीं हो सकती, और ना ही कभी होगी। खुद पे इतना यकीन? यकीन और दुआ, ये दो ऐसी चीजें हैं जो नजर तो नहीं आती लेकिन नामुमकिन को मुमकिन जरूर बना देती है।
शायद मैं आपकी उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरी वहीद। ये बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, बिल्कुल जन्नत के फूलों की तरह नाजुक खूबसूरत। आपको बच्चे बहुत पसंद है ना? बहुत ज्यादा, मुझे तो शिद्दत से उस लम्हे का इंतजार रहेगा। अगर वहीद ने दूसरी शादी कर ली तो? अम्मी ठीक कह रही, अब फिक्र करने की जरूरत है। हाँ भाई, कहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे हो? अबू वो नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं हम लोग, झील सैफल मलुक जाने का प्लान बना। वाह, वहाँ पे तो आजकल जबरदस्त मौसम होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा है मौसम। कितने दिन के लिए जा रहे हो? अबू यही कोई एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता? अरे भाई इतने से दिनों के लिए तुम आए हो, मैंने दिल भर के तुम्हें देखा भी नहीं, ठीक से बातें भी नहीं की। हजरा बेगम ऐसा करें, आप इन दोनों के साथ ही चली जाएं। आप भी कैसी बातें कर रहे? हाँ अम्मी ठीक ही तो कह रहे हैं, बल्कि हम सब साथ जाते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और ये दिन है तुम्हारे घूमने फिरने के, हंसने खेलने के। शाहिद ने वापस भी जाना है, बेहतर है कि तुम दोनों जितने भी दिन हो सके इकट्ठे रहो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। हाँ बेटा, असल में माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी से बढ़ के और कोई चीज नहीं होती दुनिया में। खुशी खुशी जाओ, एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। जी अबू, थैंक यू। अच्छा है थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है ना। शायद की भी वहाँ क्या जिंदगी है, फैमिली से दूर, हर वक्त काम में बिजी, सेम रूटीन, मेहनत। वहाँ जाएंगे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। हमें तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो फ्रेश होने की जरूरत है ही नहीं है? हाँ, शाहिद ही सऊदीया से आया है, शाहिद ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, तो जाहिर है एंजॉय करने की जरूरत भी तो शाहिद को है ना। आप तो दफ्तर पार्टी करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है कहीं घूमने की? तो आपको जरूरत ही है तो जाहिर है मुझे भी नहीं है। 4 साल हो गए शादी को, एक दफा भी कहीं लेकर गए मुझे? नहीं, क्या हो गया तुम्हें? छोटी सी बात को दिल पे ले रही हो। छोटी सी बात, यही तो मसला है पर्दों का। या हमारे दिल पर छुरियां चल रही होती हैं और आप लोगों को लगता है कि छोटी सी बात है। अच्छा बाबा माफ कर दो, चलेंगे हम लोग भी सैर करने। बल्कि हम फौजी और शाहिद के साथ चलते हैं ना, वो अलग घूमेंगे हम अलग। क्यों शाहिद और फौजिया के साथ क्यों चलेंगे हम? हम अपना अलग से जाएंगे। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी तुमने वहीं जाना। मैं तो बस यही कह रही थी कि हमें भी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए ना, लेकिन हम कभी कहीं नहीं गए। अच्छा बाबा कर लो प्लान, चलेंगे हम भी घूमने। हाँ ठीक है। और जी अम्मी। बेटा मैंने कल की अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर से, तुम ना अभी से इंतजाम कर लो। हाँ हाँ आ जाऊंगी मैं। क्या कह रही थी खाला? कुछ नहीं, इतने काम पड़े हैं ना घर पे, तो वो मुझे कह रही थी कि आ जाओ थोड़ा हाथ बटा दो मेरा। आप ऐसा करना कि सुबह दफ्तर जाते हुए ना मुझे अम्मी के घर छोड़ देना और वापसी पे फिर मुझे ले भी लीजिएगा। हाँ छोड़ दूंगा, और वापसी पे डिनर भी बाहर करेंगे। हाँ ठीक है। ये लो फरा। भाभी ये वाला टॉप क्यों लेकर जा रही है? आपका वो ब्लैक वाला ट्राउजर है ना ग्रे वाली शर्ट के साथ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा कलर। शूज रखे हैं आपने? हाँ मैंने जॉगर्स रख लिए हैं। चलें ये बहुत अच्छा किया। वैसे थैंक यू सो मच कि तुम आ गई, तुम्हारे आने से मुझे काफी हेल्प होगी। इसमें थैंक यू की क्या बात है, इट्स ऑल माय प्लेजर। अरे
अभी तो तुम शादी की तैयारियों से फ्री हुई हो और इसने तुम्हें पैकिंग के लिए भी बुला लिया। अरे भाभी ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। और ये तो सारे खुशी के काम होते हैं, इसमें थकावट कैसी? देखा, ऐसी होती है बहन। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों ने ना सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है। आप लोग जहाँ जहाँ घूमेंगे फिरेंगे, आप लोग सारी पिक्चर्स लेते रहेंगे और मुझे भेजनी है, प्लीज भूलिएगा मत। ठीक है बाबा, आपको सारी पिक्चर्स भेज देंगे, आई विल कीप यू पोस्टेड। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। भाभी आपने भी ध्यान रखना। बिल्कुल। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज वो कपड़े लें। सब रख दिया? हाँ, कुछ रहे तो नहीं गया? डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये कभी मां नहीं बन सकती। बेटा चुप हो जाओ। अम्मी सब बर्बाद हो गया। अम्मी आपने सुना, डॉक्टर ने कहा मैं माँ नहीं बन सकती, सब खत्म हो गया, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी उस घर। परेशान हो रही हो, रो रो के अपने आप को हलखान कर रही हो। अम्मी आप वही को फोन करें, उसे फोन करें, उसे बताएं डॉक्टर ने जो भी कहा है। खामोश हो जाओ रानी, दिमाग खराब है तुम्हारा, मुझे कुछ सोचने तो दो। अब क्या सोचना है? आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? मैं कभी माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर ने कहा है। अब वहां सबको पता चल जाएगा कि मैं माँ नहीं बन सकती और फिर फौजिया का बच्चा हो जाएगा, मेरे सर पे चढ़ेंगे, मैं नहीं रह सकती उससे दबके। अम्मी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? फिर इतना परेशान होने का फायदा? हमें और क्या होना बाकी रह गया है? हम आपको और किस चीज का इंतजार है? अच्छा पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो। चलो मेरा बच्चा, उठो जाकर हाथ मुंह धो, वही के आने का वक्त हो। अभी तक वो दोनों पहुंची नहीं, क्या बात है? मैंने तो कहा था मैं रानी को खुद लेता आऊंगा, लेकिन उसने कॉल करके मना कर दिया और कहा हम लोग खुद आएंगे। बेटा फोन करके पूछो कहाँ है। जी खाला। खाला रानी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। वही भाई। वालेकुम सलाम। कैसी खाला? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। हम फोन कर रहे थे, रिसीव नहीं किया। अरे हम दरवाजे पर थे ना। सुना तुम लोग जा रहे हो? जी खाला, वो कल की टिकट करवा ली है मैंने। खाला चल। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारी बहू का बहुत ख्याल रखना। खाला आपका हुक्म है तो जरूर रखूंगा। भाभी आप चाय पियेंगी? नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी। अम्मी मैं कमरे में जा रही हूँ, मैं थकी हुई हूँ। ये लीजिए शाहिद। थैंक यू। लो भी रास्ता, समोसा खाओ, मेरी बहू ने आते ही फरा के साथ मिलकर बनाए। अच्छा भाई जरूर जरूर लाओ भाई, पहले हम समोसे खाएंगे। ये लीजिए खाला। ओहो, तो बहुत ही मजेदार सा लग रहा है। कैसे हैं? बहुत मजेदार। बेटा चाय पी के अम्मी से मिलाना, हमारे जाने से पहले अम्मी मिलने आएंगी हमसे, फिर तो ठीक है। अम्मी हम लोग ना खामा खाई घर आ गए। क्या मतलब वही रात रुक जाते ना? क्यों रुक जाते?
अरे कल सुबह दोबारा वहां जाना पड़ेगा, उनकी फ्लाइट जो है। अपना दिमाग ना तुम दुरुस्त कर लो, तुम्हारा तो दिल ही नहीं लगता घर में, और अगर जा रहे तो जाने दो, जरूरी है कि गुलामों की तरह हाथ बांध के आगे पीछे खड़े रहे उनके। क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हाँ बस आ रहा गुस्सा, बकवास मत किया करो। सारे वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं, कभी ठीक से बात नहीं करती मुझसे, सिर्फ रानी से प्यार करती है ना। जब मैं आपसे आराम से बात करने के लिए बैठूं, आप सिर्फ इसी तरीके से मुझसे बात करती, इतने बुरे तरीके से। कभी बात नहीं करूंगी, सिर्फ रानी सगी है आपकी, मैं तो हूं नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रोई हो? मैं क्यों रोऊंगी? मुझे क्या पता, यही तो पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं है वहीद। ऐसा है रानी, अच्छा खासा सुबह छोड़ के गया था तुम्हें। खाला ने कुछ कहा? नहीं। मेरे को बात बुरी लगी है? मेरी आपसे सुबह से बात ही कब हुई है जो मुझे आपकी कोई बात बुरी लगेगी? देखो रानी, वहीद मेरे सर में दर्द हो रहा है, मत करे मेरी इतनी फिक्र। हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं। खाना खाया था? हाँ